तो हम आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। अब ये जो टॉपिक है ये सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से ही 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। और वो कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को एक और नाम से हम बुलाते हैं। हेरिडिटी को आप कहेंगे नेचर एंड एनवायरनमेंट को आप कह सकते हैं नर्चर। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब हेरिडिटी में हम थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअली में है क्या। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब आपके जीन्स जो होते हैं आपके फादर से आप में आए हैं कुछ जीन्स, इसलिए आपके हेयर के कलर, आपके आंखों के कलर, आपके स्किन का कलर जो है आपके मदर फादर से क्या होता है, मैच होता है। इसका मतलब जीन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का अगर आपको टर्म समझ में आ गया है ना, तो आप सारे टर्म्स जो मैंने मेन कीवर्ड्स जो लिखे हैं लाइक जेनेटिक्स, नेचर, तो ये सारे वर्ड अगर अब आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि वो हेरिडिटी की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। ओके, अब मैं बात करती हूँ क्रोमोसोम्स। देखिए, क्रोमोसोम्स में आपके जीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब जीन का काम क्या है, हाइट आपकी कैसे होगी, आपके स्किन का कलर क्या होगा, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो हमारे अंदर यानी ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मैंने यहाँ 23 पेयर्स लिखा है, पेयर यानी जोड़ी। ओके, बट टोटल क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सभी ह्यूमन बीइंग में। बट सम टाइम किसी के क्रोमोसोम्स कम ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें आपको कुछ डिसऑर्डर्स दिखाई देंगे। बट यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि जो डिफाइंड करेगा कि उसमें एक्स एक्स है या एक्स वाई है। अब ये एक्स एक्स क्या है, अगर जिनमें जो गर्ल होते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो बॉय होते हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है, और लड़कियों का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स एक्स होता है। ओके, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। वो सभी में क्या होते हैं, 22 होते हैं, सेम होते हैं, मगर एक जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है सभी में वो अलग होगा। बॉयज़ में एक्स वाई होगा और गर्ल्स में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो ये इतनी बात आपको हेरिडिटी से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, इन्वायरमेंट्स में अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है, वहाँ पर अच्छी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो आप उन चीज़ों को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, लोगे अपने अंदर, वो चीज़ आप में भी दिखाई देगी। तो लैंग्वेज हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, सोशल स्किल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। अगर आपके घर में इंटेलिजेंट लोग हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हेरिडिटी को हिंदी में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इन्वायरमेंट को हिंदी में वातावरण बोला जाता है, नेचर को हिंदी में देखिए यहाँ मेंशन किया है, और नर्चर को भी मैंने हिंदी में पोषण यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बिकॉज़ ये टर्म्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में कि एक डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट या दोनों। तो आपको टिक मार्क करना है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बच्चा है जिसका हेरिडिटी यानी उसके मदर फादर से तो उसको अच्छा जीन मिल गया, अच्छा इंटेलिजेंट भी है वो, अच्छा है हर चीज़ है उसकी, कैपेबिलिटी अच्छी है, बट उसे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया यानी वो एक ख़राब माहौल में पल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। नहीं, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए प्लस इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो इस चीज़ को जो है एक टर्म में डिफाइन कर दिया गया है, डी इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। देखिए, डी मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब बीच में मैंने मल्टीपल का साइन दिया है क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। अब आप ये बोलोगे मैम इधर प्लस भी आ सकता है, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ही लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी नंबर रखिए 2, 3 ओके, 2, 3 क्या हो जाएगा 6, बट मैं 2+3 अगर करती हूँ तो 5 आएगा, राइट। तो इनका जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई में होता है, और इसको बताने वाले जो पर्सन थे उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, वुडवर्थ। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो नेचर वर्सेस नर्चर। ओके, थैंक यू।